Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we talk about POCSO Act 2012 and with the amendment 2019. Guys, अगर हम POCSO Act की बात करें तो POCSO Act में अब तक हमने सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 28 तक आपके साथ 1 by 1 डिस्कस किया है. अगर आपने पहले की वीडियो को वॉच किया है तो वेल एंड गुड, उससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी एंड देन आपको ये वाला सेक्शन ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा. अगर आपने पहले की वीडियो वॉच नहीं की तो गाइज आप पहले की वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिए, उसके बाद देन अगर आप ये वाला सेक्शन देखते हो, वीडियो देखते हो, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से होगी. तो आई होप आप देख लेना अब खुद ही, ठीक है. तो नाउ लेट स्टार्ट इन दिस वीडियो चैप्टर 7. गाइज जो चैप्टर 7 है यह डील करता है हमारे स्पेशल कोर्ट को. अगर हम स्पेशल कोर्ट की बात करें तो गाइज अब तक हमने इसमें सेक्शन किया था डेजिग्नेशन कोर्ट का, जो डील करता था आई थिंक सेक्शन 28. हाँ, जो गाइस जो हमारा सेक्शन 28 था ये डील करता था डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट, मींस इसमें स्पेशल कोर्ट कौन सी हो सकती है, ठीक है. तो अब उसके बाद में बात करते हैं सेक्शन 29 की. जो सेक्शन 29 है ये बात करता है प्रिजम्पशन एज टू सर्टन ऑफेंसेस. अगर हम प्रिजम्पशन की बात करें, इस चीज को सारी को छोड़ दीजिए. प्रिजम्पशन मीन्स हम अनुमान लगाते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में आइडिया, ठीक है, हमारा क्या अनुमान है, क्या आइडिया है. अब हम करते हैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज में बात, इसे हटा देते हैं, अब इसे पूरा पढ़ते हैं. प्रिजम्पशन एज टू सर्टन ऑफेंसेस, कुछ ऑफेंसेस में क्या अनुमान लगाया जाएगा, कौन से ऑफेंसेस गाइस जो हमारे POCSO एक्ट के अंडर मेंशन किए गए हैं. अभी आप देखोगे कि मैंने आपको क्यों बोला था कि आप पहले के सेक्शन देखना, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी. अब देखते हैं वेयर एक्ट की लैंग्वेज के साथ ही. वेयर अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर अ कमिटिंग और अबेटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट एनी ऑफेंस, ठीक है. एक जहां पर एक पर्सन प्रोसिक्यूटेड फॉर क्या कर रहा है, कमिटिंग कर रहा है, अबेटिंग कर रहा है या फिर अटेम्प्टिंग कर रहा है. तीन चीजें जहां पर बेयर एक्ट में मेंशन है, थ्री वर्ड्स, कमिटिंग, अबेटिंग एंड अटेम्प्टिंग. इस एक्ट के अंडर अगर किसी पर्सन ने कोई भी ऐसा ऑफेंस कमिट किया है, कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 3, 5, 7, 9 ऑफ दिस एक्ट, POCSO एक्ट के अंडर, द स्पेशल कोर्ट शैल प्रज्यूम, जो हमारी स्पेशल कोर्ट है शैल प्रज्यूम, वो प्रज्यूम करेगी दैट सच पर्सन हैज कमिटेड और अबेटेड और अटेम्प्टेड टू कमिट द ऑफेंस एज द केस मे बी अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड. हेयर वी टेक अ पॉज, ठीक है. यहां पर देखिए इन लोगों ने बोला क्या है बेयर एक्ट में, ये बोला है कि मान लो ये विक्टिम है, ठीक, ये अक्यूज्ड है. अगर इस अक्यूज ने अंडर सेक्शन 3, 5, 7, 9 में इन चारों में कोई भी एक्ट कमिट किया है, चाहे उसने कमिटिंग की है, चाहे अबेक्ट किया है किसी को, या फिर अटेम्प्टिंग की है, तीनों में से एक भी चीज की है, तो जो हमारी स्पेशल कोर्ट है वो क्या प्रज्यूम करेगी, वो यही प्रज्यूम करेगी कि ए ने ये एक्ट कमिट किया है. कब तक करेगी, जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि ए यहाँ पर निर्दोष है, इनोसेंट है, तब तक कोर्ट इसे ही मानेगी अक्यूज्ड, ओके. मोस्टली अगर हम देखते हैं दूसरे अदर केसेस में, तो गाइज उसमें क्या होता है कि क्रिमिनल मैटर की बात कर रही हूँ, अगर हमने बोला कि हाँ, अगर मैं यहाँ पर अभी आईपीसी की बात करने जा रही हूँ, अगर हमने बोलते हैं कि किसी पर्सन ने मर्डर कमिट किया है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, विक्टिम ने बोला कि ए ने मर्डर कमिट किया, थोड़ा सा से रिमूव कर देती हूँ, आईपीसी की बात कर रही हूँ, यहाँ पर किसी ने बोला, बी ने बोला कि सी ने डी का मर्डर कमिट किया है, ठीक है. अब भी क्या है, सी को अक्यूज्ड मान लिया जाएगा, ठीक, मान लिया. बी की लाइबिलिटी बनती है कि उस चीज को बर्डन ऑफ प्रूफ बी के ऊपर है कि हाँ सारे के सारे एविडेंस वो कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा कि हाँ सी ने डी का मर्डर किया है.
क्रिमिनल लॉ की अगर हम बात करें तो गाइस जो हमारा कुछ भी अगर कोई कोई पर्सन ऐसे किसी के ऊपर एलिगेशन लगाता है तो उसी को गाइस एज ए प्रूफ बर्डन ऑफ प्रूफ करना होता है कोर्ट में। बट अगर हम पॉक्सो एक्ट की बात करें, दिस इज अ स्पेशल लॉ। दिस स्पेशल लॉ डील टू चिल्ड्रन एज द बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो आई होप आपको यहाँ पर इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसमें यही है कि अगर कोई पर्सन पॉक्सो एक्ट के अंडर कोई भी कमिटिंग करता है, सेक्शन 3579, कोई भी उसने कमिटिंग की है, अबेटिंग की है, अटेम्प्टिंग की है, तो गाइज उस पर्सन को ही अक्यूज्ड माना जाएगा। तब तक माना जाएगा जब तक वो पर्सन अपने खिलाफ जो उसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं उसे कोर्ट में झूठा साबित, फॉल्स प्रूफ नहीं कर देता। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा सिर्फ यही मोटिव है कि जो प्रॉब्लम्स हमें फेस हुई है वो आपको ना हो, चलो किसी ने किसी एक पर्सन का ही चलो मान लो बेनिफिट हो, तो आई फील सो हैप्पी। तो आई होप आपको अगर वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी इसे शेयर कीजिए गाइज, इससे क्या होगा कि उन्हें भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।